और यहाँ पर आप मेरी गुड़िया को देख ही सकते हैं कि वो किस तरह से बैठी हुई है, नहा धोकर रेडी है। बस उसकी जो बाल हैं वो बनाने हैं, उसकी चोटी बनानी है, फिर इसके बाद में जाऊँगी अंदर किचन में। और मुझे कपड़े जो हैं वो सूख चुके हैं, मशीन में डाले थे सूखने के लिए, मशीन में सूख चुके हैं, बस उन कपड़ों को फैलाना है। फिर बाद में मुझे किचन में जो सब कुछ है हमारा लंच का, जो भी तैयारी हमारी मतलब जो भी है लंच के लिए मैं पहले से ही बनाया हुआ है, वो गरम करना है। बाकी बस कुछ काम नहीं है आज। और मैंने सोचा है कि आज कुछ DIY करने का, अगर होता है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, वरना पता नहीं। लेकिन मुझे ना उस चीज़ को करना ही करना है, देखते हैं आज होता है या नहीं। तो चलिए, हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो भी होगा आज जो शबे बारात में हमने जो भी किया वो शेयर करूँगी, कौन था हमारे साथ जागने के लिए रात में नमाज में। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम तीनों रोज़ा हैं आज, नफिल जो रोज़ा है वो रख लिया है हमने। वैसे तो तीन रोज़े होते हैं बट हमने एक ही रोज़ा किया है। इंशाल्लाह अगले साल ज़िंदगी बाकी रही तो तीनों रोज़े करेंगे, तो बस इस बार एक ही रहा है, तो वही है। चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था पिछले व्लॉग में कि चिकन मंगवाया है ग्रेवी बनाने के लिए रात के लिए, जैसे हमारे डिनर भी हो जाएगा और सहरी के लिए भी हो जाएगा, तो इसी की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पर। तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं मुझे, बस यहाँ पर रोटी और ग्रेवी ही बनानी है। तो बाकी जो चावल वगैरह बनाना है मैं वो सहरी में ही बना लूँगी, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ। और मुझे ना यहाँ पे ऐसे फील हो रहा था कि रमज़ान जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि रमज़ान के टाइम पे रमज़ानों में ही हम लोग, रमज़ान के महीने में ही हम लोग रात के डिनर की और सहरी की प्रिपरेशन एक साथ कर लेते हैं, तो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो अभी हमारा जो डिनर है वो तैयार हो गया है, अजमा और अजमा के पापा बैठ चुके हैं दस्तरखान पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अजमा को मैंने बिठा दिया है नमाज़ पढ़ने के लिए, एसी ऑन है और यहाँ पर रिमोट रख लिया है, पानी रख लिया है। और यहाँ पर ये देखिए, हम मेरा, हसीना अपा का और अजमा का, हम तीनों के जाए नमाज रेडी हैं। ये हसीना अपा के लिए मैंने रेडी रखा है, मैंने मखमा पहन लिया है, नहा धोकर तैयार हूँ, अजमा भी नहा धोकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने इसमें हमारे सारे जो तस्बीहें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है, मैं इसी तरह से डिब्बे में रखती हूँ। और यहाँ पर दुआएँ हैं, तो यहाँ पर सूरे वाली जो किताब होती है वो भी मैंने निकाल के रख ली है, सारी 26 सूरतें। और यहाँ पर नूरानी रातें यानी कि जो ताख रातें होती हैं उनकी किताब है, तो सारी निकाल के रख ली है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की प्यार से भरी प्यारी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो यहाँ पर देखिए, आज की आज जो रात है वो शबे बारात वाली रात है। आप सभी को ये, वैसे तो व्लॉग कल जाएगा इंशाल्लाह, तो आप सभी को मेरी तरफ़ से शबे बारात बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर अजमा भी बैठी हुई है, तो यहाँ पर बस वो तस्बीह पढ़ रही है, जब तक हसीना पा आएंगे तब तक वो तस्बीह पढ़ रही है। तो मैं क्या करूँगी, अभी सारी चीज़ें मैंने तैयार रखी हुई है यहाँ पर, जाए नमाज तस्बीह जो चीज़ें चाहिए हमें वो रखी है, पानी मैंने यहाँ पर रख लिया है, क्योंकि जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो हल्का सा हलक जो है सूखने लग जाता है, तो इसी वजह से। और मैं भी पूरे अच्छे से नहा धोकर तैयार हूँ, अभी बस हमें नमाज़ पढ़नी है, तो अभी मैं तैयार हूँ। बस मैं जो भी मेरी ख़ज़ा नमाजें हैं वो मैं अदा कर लेती हूँ जब तक हसीना अपा आएंगे तब तक। तो हसीना अपा जो है पिछले साल से मेरे पास आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो पिछले साल भी बस मैंने तब जो है व्लॉग नहीं बनाया था, अभी सोचा कि क्यों ना मैं भी शेयर करूँ, क्योंकि हर कोई हर चीज़ को शेयर करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी ये चीज़ शेयर करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि जो शिर्क काम हम लोग करते हैं, हमें बोला जाता है कि हम लोग शिर्क काम करते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते, तो हम लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं और हम वलियों को भी मानते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो इनके लिए ही मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ब्लॉग भी बना लूँ, जब मैं नमाज़ पढ़ ही रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि
व्लॉग जो है शुरू कर लेते हैं। और मैंने कहा भी था कि आज जो भी होगा दिन भर में वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं पहले कज़ा अदा कर लेती हूँ, सारी जो भी मेरी कज़ा हो चुकी हैं उनको कज़ा अदा कर लेते हैं, फिर बाद में जब हसीन अपा आएंगे तो सारी नवाफिल भी मैं अदा करूंगी जब हसीन अपा आएंगे। तो दोनों मिलकर ही हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं पिछले 2 साल से। अभी हम दूसरा साल है, 1 साल तो हमने पढ़ लिया था, अभी दूसरा साल है। आप सभी को मेरी तरफ से तो मैं सबके लिए दुआ करूंगी और आप भी अपनी दुआ में मुझे ज़रूर से याद कीजिएगा। तो चलिए नमाज अदा कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, तकरीबन देखिए टाइम बज रहे हैं 10:15 और अजमा के पापा जा चुके हैं नमाज के लिए। 9:20 को ही वो निकल गए थे, 9:30 की कुछ जमात थी। तो चलिए नमाज पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत देर से हसीनापा का वेट कर रही थी, तो वही यहाँ पर हसीनापा से बातें कर रही थी कि इतना लेट क्यों हुआ। तो वही हसीनापा मुझे जो है बता रहे थे कि भाभी घर में सारा काम जो है निपटा कर सब कुछ करके मुझे आना पड़ता है। तो वही यहाँ पर हम दोनों की बातें हो रही थी, हसीनापा जो है ख़ुद का दुपट्टा ओढ़ रहे थे। तो मैंने कहा कि ये लो मेरी अम्मी का ये जो मखमा है ये पहन लेना, क्योंकि मेरी अम्मी ने इसी मखमे को पहन कर अपना जो हज है वो पूरा किया था। तो इसी वजह से तो मैं समझती हूँ कि ये मतलब हर किसी को नसीब हो हज या उमरा करना। तो यहाँ पर मतलब वहाँ की चीज़ वहाँ पर जाकर आई हुई चीज़ है, तो इसी वजह से मैंने उनको दिया है पहनने के लिए। वैसे मैं इस मखमे को पहनकर नमाज पढ़ती हूँ रोज़ ही। तो यहाँ पर अभी हमारी हसीनापा की नमाज चल रही है, जो भी उनकी दिन भर की कज़ा हुई है मैंने कहा कि वो अदा कर लेना। तो यहाँ पर वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास नूरानी किताब है यानी कि जो शब मेराज शब कदर और शब बारात की जो नवाफिल्स होते हैं उसकी किताब मेरे पास है, तो मैं उसी में से देखकर पढ़ने वाली हूँ। अभी हर बार मैं इसी में से पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर वही किताब को मैं पहले पढ़ रही थी जब हसीना पर नमाज़ पढ़ रहे थे, क्योंकि मैं ये किताब जो है उर्दू में है और इनको समझाना था मुझे, एक्सप्लेन करना था इसी वजह से। तो हसीना पर वही बोल रहे थे, मैं इनको पहले एक्सप्लेन कर रही थी कि कौन सी रकात कितनी पढ़नी है, कौन सी रकात में क्या पढ़ना है, वही इनको एक्सप्लेन कर रही थी ताकि जब हम दोनों नमाज़ पढ़ें तो कन्फ्यूज़। और यहाँ पर फ़िलहाल के लिए मैंने अजमा को साइड में बिठाया है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, बस दो ही जो जाए नमाज है वो बिछा सकते थे और जगह नहीं थी। तो मैंने अजमा से कहा कि जब तक हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तब तक तू ना यहाँ पर तस्बीह को पढ़ लेना, इसके बाद में तुझे मैं जैसा नमाज़ पढ़ना है जैसा भी है वो मैं आपको समझाऊँगी, बाद में वो पढ़ेगी। तो यहाँ पर हसीनापा जो है तस्बीह में उसको समझा रहे थे और यहाँ पर हसीनापा मुझे दिखा रहे थे कि उसने मतलब जितना भी उसने पढ़ा है तस्बीह तो वही उसने लिख के बुक में रखा है। तो वही मैं और हसीनापा मिलके चेक कर रहे थे कि कितना क्या उसने पढ़ा है। तो अभी थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग नमाज के लिए फिर से खड़े हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी बज चुके हैं सुबह के 4:10 हुए हैं, सहरी का टाइम हो चुका है। यहाँ पर देखिए अभी मैं जो रोटियाँ हैं वो बेल लिया है मैंने, अब यहाँ पर मैंने दूध जो है निकाल के रखा हुआ है, इनकेस अगर अजमा या फिर अजमा के पापा को चाहिए तो मैं निकाल के तुरंत गर्म करके दे सकती हूँ, तो इसी वजह से बाहर रखा हुआ है। अगर नहीं चाहिए तो मैं उठा के रख दूँगी। यहाँ पर ग्रेवी जो है गर्म कर ली है मैंने और यहाँ पर जो कुकर है उसमें मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर अभी रोटियाँ जो है सेक लूँगी और रात भर हम लोग नहीं सोए हैं मैं और अजमा। खैर अजमा के पापा जो है 2 बजे सो गए थे तो उनकी नमाज जो है 2 बजे ख़त्म हो गई और यहाँ पर मैं और अजमा जो है बिल्कुल नहीं सोए हैं। तो मैंने अजमा से कहा था कि उठ के मत आना, जब तक रोटियाँ जो है मैं नहीं सेकूँगी तब तक उठ के मत आना, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा उसको। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको स्कूल भी ना भेजूँ क्योंकि वो रात भर नहीं सोई है और अभी जाकर जब सहरी होगी नमाज़ पढ़ेंगे तब जाके वो सोएगी, तो फिर उसकी नींद जो है कम्प्लीट नहीं होगी और स्कूल में उसको तकलीफ़ होगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि उसको स्कूल नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पर अभी रोटियाँ सेकेंगे फिर जाकर हमारी सहरी होगी, तो चलिए रोटियां सेक लेते हैं सबसे पहले। Thank you.
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है अगली सुबह और अल्हम्दुलिल्लाह से हम तीनों रोज़ा हमने रख लिया है। तो माशाल्लाह, क्योंकि ये रोज़े जो है नवाफिल रोज़े ज़्यादा करके लोग रहते नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तीन तीन रोज़े होते हैं। हम लोग तीन रोज़े करते हैं नवाफिल के, लेकिन मुझे यहाँ पर मैंने मतलब एक ही रोज़ा रखा है। इंशाल्लाह अगले साल अगर होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर से पूरे तीन रोज़े करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल अजमा की चोटी बना रही थी। अभी देखिए शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पर इफ्तियारी का भी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल के लिए फ्रूट जो है एप्पल मैंने कट कर लिया है, खजूर रख लिया है सूखा खजूर, और यहाँ पर वाटरमेलन को कट कर लिया है। सूखा खजूर एक इसलिए रखा है, अजमा के पापा ही खाते हैं, मैं और अजमा तो नहीं खाते हैं। यहाँ पर लस्सी बना ली है, अलग अलग चम्मच इसलिए रखा है क्योंकि एक जो है बिना चीनी वाली है और अजमा के लिए मैंने थोड़ी सी निकाली है और मेरे लिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रख ली है क्योंकि मुझे लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे अजमा को भी पसंद है लेकिन अजमा को ज़ुकाम है, इसी वजह से अजमा के पापा ने मना कर दिया है कि उसको बिल्कुल मत देना, लेकिन मेरा मन नहीं माना। लेकिन बच्चा रोज़ा था तो फिर उसको देना ज़रूरी था। और यहाँ पर मैंने सारी सब्जी निकाल कर रखी थी। और अभी देखिए डिनर का टाइम है, तो मैंने यहाँ पर खिचड़ी और यहाँ पर बैंगन का जो सालन है वो बना लिया है क्योंकि अजमा के पापा का मन था। और वैसे मैं चाहती थी कि बस यहाँ पर दाल चावल और जो चिकन है उसको फ्राई कर लूँ, लेकिन अजमा के पापा का मन था और अजमा के पापा जो है रोज़ा थे, तो फिर मैं उनको मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि रोज़दार को जो खाना खाने का मन करे तो उनको देना चाहिए। तो इसी वजह से और यहाँ पर मेरी जो छुटकी है वो अपना जो डिनर है वो कर रही है क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जल्दी से डिनर करे और सो जाए क्योंकि उसके अगले दिन स्कूल थी। बस यहाँ पर मैंने एक खिचड़ी बनाई थी, अभी जो सालन है वो बन रहा था, तो इसी वजह से अजमा को नहीं दिया है और वैसे भी वो खाती नहीं है। तो वही था, चिकन मैंने फ्राई कर लिया था। तो आज का हमारा डिनर ये। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।